दोस्तों आपने इस तरह की वीडियो YouTube और Instagram पर देखा होगा। ये एक AI से बनाई गई वीडियो है सब टाइटल के साथ, वो भी फ्री में। अब आपके मन में ये ख्याल होगा कि ये वीडियो को बनाए कैसे, तो आज की वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। आप अपने मोबाइल फोन से ही ये वीडियो को बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। तो सबसे पहले आपको कैनवा को ओपन करना है। कैनवा एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर ओके करना है। अब आपको कस्टम साइज पर ओके करना है। यहाँ पर आपको लिखना 1080, यहाँ पर आपको लिखना 1920। ऐसे लिखकर आपको अब यहाँ पर क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर ओके करना है। उसके बाद आप यहां से स्लाइड करोगे। स्लाइड करने के बाद आपको यहां पर एक ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस ऐप्स वाले ऑप्शन पर ओके करना है। आप यहां से डाउन करोगे तो आपको यहां पर एक दिखेगा टेक्स्ट टू इमेज, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आपको ये यहां पर शो नहीं करेगा तो आपको यहां पर सर्च पर ओके करना है। यहां पर आपको लिख देना है टेक्स्ट टू इमेज। आप जैसे ये टेक्स्ट टू इमेज लिखोगे आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर ऊपर सबसे पहले ये आ जाएगा। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो डैश में, यहाँ पर आपको लिखना है ब्लैक मेल डॉक्टर विद अ कोट, लैब कोट, विद अ लैब कोट। आप ये लिख ले, इस तरह आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये जो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है। इस पर आप सिलेक्ट कर लोगे, अब यहाँ से आपको ये फ़ोटो पर सिलेक्ट कर लेना है। ये फोटो पर आप सिलेक्ट कर लोगे और ये पोर्ट्रेट पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्रिएट यूअर इमेज पर ओके करना है। तो आप यहाँ से क्रिएट यूअर इमेज पर ओके करोगे। जैसे ही आप इस पर ओके करोगे आपको यहाँ पर 2 से 3 सेकंड में इमेज क्रिएट करके दे देगा। देख सकते हो आप यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। तो अब आपको यहाँ से कोई भी जो इमेज आपको अच्छे लगे वो इमेज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस इमेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपको क्या करना है, ये इमेज को यहाँ पर ऊपर ले आना है। अब आपको यहाँ ये कोने में पकड़ के ये पूरा फुल साइज में कर देना है। अगर आप इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। इस इमेज को आप यहां पर सेव पर ऊपर ओके करोगे तो ये इमेज आपकी यहां पर सेव हो जाएगी। तो आपको इसके बैकग्राउंड को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करने बाद आपको यहां पर लिखना पड़ेगा अडोब बैकग्राउंड रिमूवर, आपको इस पर ओके करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ अपलोड यूअर फोटो पर ओके करना पड़ेगा। आप बीजी रिमूव से रिमूव मत करना कभी बैकग्राउंड को, वहाँ पर HD क्वालिटी में रिमूव नहीं होती, यहाँ पर HD क्वालिटी में रिमूव होती है। आपको यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपके ये 2 से 3 सेकंड में आपको ये यहाँ पर एक रिमूव करके दे देगा यहाँ पर इसका बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। तो आपको डाउनलोड पर ओके कर लेना है। आपको वापस से कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करना है। कैनवा पर आप ओके करोगे। कैनवा पर ओके करने के बाद आप ये प्लस वाले ऑप्शन पर ओके करोगे। प्लस वाले ऑप्शन पर आप ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड का फोटो दिखेगा, यहाँ पर अपलोड का, इस पर आपको ओके करना है। यहाँ से आपको वो फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, आपकी वो फोटो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको वो लगाने का, अब आपको यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो आपको ये प्लस वाले ऑप्शन पर ओके करना है। आपको यहाँ एलिमेंट्स पर ओके करना है। अब यहाँ पर आप जैसे कि आप लिख देंगे नेचर बैकग्राउंड, तो आपको नेचर बैकग्राउंड पर लिख देना है। यहाँ पर फोटो पर सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो पर आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड नज़र आ जाएंगे। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड लगाना चाहते हो यहाँ पर लगा दोगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो, जैसे कि ये बैकग्राउंड मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर लाना है। लाने पर इसको आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है। आपको ये बैकग्राउंड को इस तरह से बड़ा कर लेंगे। इस तरह से आप ये पूरी वीडियो में बैकग्राउंड को बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ से आपको इसे यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ये लेयर पर ओके करना है। लेयर पर ओके करने में आपको ये पकड़कर इसे यहाँ पर नीचे कर देना है। देखो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड यहाँ पर लग गया। अब आपको क्या करना है, इमेज को सेव करना है। तो आपको एरो पर ओके करना है और इमेज को आपको यहाँ से सेव कर लेना है। इमेज क्रिएट करने के बाद अब आपको इमेज को वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके पहले आपको यहाँ से एक स्क्रिप्ट लेना है। तो स्क्रिप्ट लेने के लिए आपको गूगल को ओपन करना है। आपके पास जो भी स्क्रिप्ट होगी, आप जिसके भी बारे में वीडियो बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो मुझे अभी यहाँ पर फूड के बारे में बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फैक्ट अबाउट फूड। तो यहाँ पर फूड के जितने भी फैक्ट रहेंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको कोई भी एक को कॉपी कर लेना है। अब आपको इमेज को वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फोटो को वीडियो में जनरेट करने के लिए आपको DID वेबसाइट को ओपन करना है। तो आपको DID वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहां से स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो यहां पर यह ऑप्शन आपको दिखेगा, क्रिएट फ्री AI वीडियो। तो आपको इस पर ओके करना है। इस पर आप ओके करोगे तो इसे आपको अपने यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर अपने ईमेल आईडी से इसे लॉगिन किया है। तो आप भी इसे ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो जो वीडियो आपने शुरू में देखा वो वीडियो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था।
अभी मैं आपको यहाँ पर एक न्यू वीडियो क्रिएट करके बताऊंगा। तो आपको ये क्रिएट वीडियो पर ओके करना है। आप क्रिएट वीडियो पर आप ओके करोगे, यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे अवतार नज़र आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी अवतार को सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपने जो अवतार वहाँ पर बनाया है अभी जो क्रिएट किया इमेज आपको उसे यहाँ पर लाना है, जो आपने कैनवा से क्रिएट किया। तो आपको ऐड पर ओके करना है। ऐड पर ओके करने बाद ये फ़ोटो वही है, देख सकते हो, फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। ये फ़ोटो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यही फ़ोटो हमने वहाँ पर अभी क्रिएट किया था। तो आपको ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये फ़ोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो आपकी स्क्रिप्ट होगी, अगर आपके पास देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक स्क्रिप्ट, जूम कर देता हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, एक स्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं, अपनी वॉइस को भी यहाँ पर आप ला सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर स्क्रिप्ट से इसे क्रिएट करके बताएंगे। जैसे कि आपने वहाँ से जो भी स्क्रिप्ट को कॉपी किया है उसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देने को, जैसे कि मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा लैंग्वेज का, तो आपको इसे लैंग्वेज को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज को चेंज कर देना, क्योंकि हमें यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज बनाना है, तो आपको इस पर ओके करना है। तो आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना, तो आपको यहाँ पर हिंदी लिख देना है। इस तरह से जैसे कि मैं हिंदी लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आ गया, तो आपको इस पर ओके कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दो वॉइस मिलेगी, मेल और फीमेल दोनों। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी वॉइस को मेल कर लेता हूँ, तो इस मेल पर आपको ओके कर लेना है। मेल पर आपने ओके कर लिया, अब आपको क्या करना है, इस पर आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जनरेट वीडियो का, तो आपको इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद आपके सामने फिर एक बार यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन देखेगा, तो आपको यहाँ पर जनरेट पर ओके कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पर ओके करोगे, यहाँ पर ये आपकी जनरेट होने लगेगी, आपको एक से दो सेकंड में ये आपकी वीडियो यहाँ पर जनरेट करके दे देगा। तो देख सकते हो ये वीडियो हमको यहाँ पर ये जनरेट करके दे दिया है। तो देख सकते हो ये वीडियो हमें यहाँ पर जनरेट करके दे दिया है। अभी हमें इसमें सबटाइटल को ऐड करना है। अब सबटाइटल को आपको कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पहले यहाँ से वीडियो को जनरेट कर लेना है। ये हमारी वीडियो यहाँ पर जनरेट हो गई है, तो अभी हमें इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ये थ्री डॉट पर ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो जाएगी हमारी फाइल में, तो आपको इसे फाइल में डाउनलोड कर लेना है। अब हमें ये वीडियो में सबटाइटल लगाना है। तो सबटाइटल लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर विड सबटाइटल जनरेटर पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने में आपको यहाँ पर सबटाइटल पर ओके करना है। जनरेट सबटाइटल पर आप ओके करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आप यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद आपको मीडिया पर ओके करना है। मीडिया पर ओके करने के बाद आपको वो जो वीडियो आपने वहाँ से डाउनलोड की है उस वीडियो को आप यहाँ पर ले आएंगे। जैसे कि ये वीडियो हमने वहाँ से डाउनलोड की थी, उस वीडियो को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। जो भी वीडियो आपने DID से जो आपने वीडियो को जनरेट किया है आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वो वीडियो को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अब आपको यहाँ पर सबटाइटल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस सबटाइटल के ऑप्शन पर आपको ओके करना है। उसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर फिर ऑटो सबटाइटल ये दिख रहा होगा, आपको इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड ऑटोमेटिक हाईलाइट, तो आपको इसको इनेबल कर देना है। और इसके जो डाउन में इनेबल स्पीकर डिटेक्शन है, ये अगर आप इस पर ओके करोगे तो इस पर आपको पैसे पेड करने पड़ेंगे। तो आपको इस पर ओके नहीं करना है, सिर्फ पहले पर ओके करना है, और आपको क्रिएट सबटाइटल्स पर ओके कर देना है। आप जैसे ही क्रिएट सबटाइटल्स पर ओके करोगे यहाँ पर जनरेट कर देगा ये आपके सबटाइटल, देखो यहाँ पर जनरेट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन बीच में दिख रहा होगा, ये स्टाइल का ऑप्शन है कि आप इस पर ओके करना है। आप जैसे इस पर ओके करोगे आपके सामने देख सकते हो बहुत सारी स्टाइलेस में आ जाएगी। आप जो भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपने सबटाइटल की, जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको इसे डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पर ये डन पर ओके कर देना है। डन पर ओके करने के बाद आप जैसे ही डन पर ओके करोगे, मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्ले करके भी दिखाऊंगा, अभी पहले आपको डन पर ओके कर देना है। डन पर ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सबटाइटल भी दिख रहा होगा, मैं अभी आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। आपको जो यहाँ पर ऊपर देखो वाटर मार्क भी दिख रहा है, ये भी हट जाएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे हटाना है। तो आपको आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको ओके करना है। डाउनलोड पर आप ओके करोगे तो आपको जो पहला MP4 दिख रहा है, MP4 700 पिक्सल पे, आपको इस पर ओके कर देना है। ये वीडियो पर फिर आपको यहाँ डाउनलोड पर ओके कर देना है। ये वीडियो आपको यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगी, आपको मैं ये वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ। आप अभी देख सकते हो यहाँ पर आपको देखो ये यहाँ पर ही उसका वाटर मार्क दिख रहा होगा, जैसे कि हमने जो सबटाइटल यहाँ पर लगाया हो। आपको मैं यहाँ पर सबटाइटल भी दिखा दूँगा, इस तरह का आपको यहाँ पर सबटाइटल लिख कराएगा। तो आपको ये जो आपने अभी ये लगाया ये दिख रहा है, आपको इसे हटाना है। तो आपको इसे हटाना कैसे है तो आपको वो भी मैं बता देता हूँ। ये भी हट जाएगा, और ये जो डाउन में आपको DID का सिंबल है वो भी हट जाएगा। तो इसे हमें हटाना है। तो वो वाटर मार्क हटाने के लिए आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसकी रेशो को आपको 9:16 कर लेना है। उसके बाद आपको मीडिया पर ओके करना है। मीडिया पर ओके करने के बाद आपको वो वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, जो वीडियो आपने वहाँ से बनाया था।
आप देख सकते हो अभी इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो इसका वाटरमार्क शो कर रहा है, जो हमने सबटाइटल लगाया ये वीडियो में उसका वाटरमार्क यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको पेन जूम पर ओके करना है, उसके बाद आपको बराबर पर ओके कर देना है। बराबर पर ओके करने के बाद आपको इस तरह से इसे यहाँ पर ऐसे बड़ा कर देना है। देख सकते हो आप जैसे इसे इस तरह से बड़ा करोगे, बड़ा करने के बाद आप देख सकते हो वाटरमार्क यहाँ पर हट चुका है। तो इस तरह से आप इसके वाटरमार्क को भी हटा सकते हो।